पहला जन्म में तो आ रहा है यहाँ पर स्टेशन तो जन स्वराज का तो बेटर लग रहा है। और एक बात ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा स्टेशन से लेकर के चाकन का स्थिति इतना एकदम मतलब समझिए कि रोड का स्थिति बेकार है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत को अगर हम ऑटो पे लेकर जाते हैं वो हॉस्पिटल पे डिलीवरी ना होकर के ऑटो में डिलीवरी हो जाएगा। इतना घटिया जोरदार तालियों से ग्राम प्रशांत कुमार का है, क्या लगता है ये जो बता रहे हैं इसके रास्ते पे चलना सही रहेगा? जी सही रहेगा। माहौल क्या है नजर का? क्या माहौल अभी दिखता है? नहीं जा सकता, क्लियर नहीं जा सकता है। वोट कहीं भी जा सकता है। क्या बोलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील। क्या नाम है आपका? नारी चौधरी। जिस जगह पे आए हुए हैं? लक्ष्मीपुर के लिए आए हैं, देखने के लिए उनको साथ रहेंगे। क्या सुनने आए हैं या फिर वोट भी दीजिएगा? वोट भी देंगे। ऐसा ना हो कि 500 मिले और कहीं और चले जाइए भैया, पैसा दारू मुर्गा मिले और कहीं और निकल जाइए। सिस्टम नहीं है। क्या लगता है यहाँ क्या स्थिति रहेगा यहाँ पे इनका? बड़ी अच्छा लगा। 100% क्या नाम है आपका? सुंदरी चौधरी। मैं सवाल था, कितना उम्र हुआ? 19 वर्ष। क्या बार वोट दे चुके हो अभी? एक बार दिए। क्या स्थिति है यहाँ पे, किनको फल मिले आए हो? यहाँ पे स्थिति तो जन स्वराज का तो बेटर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे, सुनने आया फिर वोट भी पड़ेगा? यहाँ पर अभी जैसे इसका तो उम्मीद नहीं था, मगर आप भाषण सुनने के बाद लग रहा है कि वोट इन्हीं को दे। लेकर आए हैं मार्केट में? मुद्दा लेके यही आए कि लड़कन को एजुकेशन बढ़िया मिलेगा और का जो रोजगार भी मिलेगा। पहले से जो थी वो रोजगार नहीं दे रही थी? कहाँ दे रही थी, 35 साल से। आखिर क्या हुआ यहाँ पे? कुछ भी नहीं। तो पहले क्यों नहीं चेंज की, अभी क्या माइंड हुआ? पहले जैसे मुसलमानों की एकता नहीं थी, अब जन स्वराज आ रही है तो एकता लेके आ रही है। तो अब लगता है कि मुसलमान बदलेगा। कैसा लगा प्रशांत जी का भाषण? ठीक लगा। क्या लगता है आपको, वोट में तब्दील होगा? एग्जाम होगा। क्या आप लोग वोट करेंगे हम देखो? एग्जाम करेंगे। करेंगे? एग्जाम करेंगे। आप? हाँ, हम लोग तो पहले ही से हैं। पहले ही से हम जब पहले ही से हम जत के पूरी तरह से ना एकदम सच्चे दिल से। कहाँ से? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक। कहाँ से है? नसीरपुर से। भैया क्या माहौल है? बेलागंज में तो आ रहा है हम यादव पे भूल जाएगा आप लोग? नाम भूल जाएंगे, भूल जाएगा। क्या नाराजगी है भाई? अरे नाराजगी पूरा है, 25 साल में किया कुछ? वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बताइए क्या नहीं? जीरो बटा जीरो सड़के है, कुछ नहीं। ये सड़क है, साला मोटरसाइकिल का दाम चल जाता है। तो जैसे आएंगे हम जब वहाँ आएंगे पूरी तरह से यार का पूरी तरह से। क्या लक्ष्मीपुर के सारे लोग वोट देंगे? करीब करीब। लक्ष्मीपुर का क्या माहौल है? पूरा माहौल एकदम अमजद साहब जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की तरफ है। अच्छा। पूरा बेलागंज विधानसभा के जनता मुसलमान ने इस बार तय कर लिया है कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर अमजद साहब को वोट दे के बैग छाप पर वोट दे के भारी मतों से विजय बनाएगा अमजद साहब। प्रशांत जी ने जो सुना है वो अच्छे तो बोले करते हैं, जो बोले से अच्छे बोले और वो तो मैंने बोले
कि हम वोट नहीं, हम दुआ मांग रहे हैं। और बहुत तरीके से घुमा के बड़ी बात बोले, लेकिन हम लोग इस बार तय कर लिए हैं बेलागंज की जनता कि हम लोग अहमद साहब को वोट देंगे। और पूरे मुसलमान नहीं बल्कि पूरी हिंदू मुस्लिम सब मिल करके इस बार जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र यादव तो 35 वर्ष से नाराज थे, लेकिन उसकी नाराजगी ये रही कि 35 साल में जब से मैं सुबोध भी नहीं संभाला तब से मैंने उसी का नाम सुना, आज तक उसने कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन इस बार हम लोग पूरी मतलब जनता तय कर लिए ना, पूरी अमजद को देंगे। हाँ अमजद को देंगे, पूरी की पूरी अमजद को ला रहे हैं। अमजद को ला रहे हैं। टक्कर किससे है? टक्कर किसी से नहीं है, अमजद ही अमजद है। प्रशांत कुमार थोड़ा कस के बोलिएगा। प्रशांत कुमार का भाषण सुनने के लिए आया। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या स्थिति है वोट का? वोट का स्थिति हम अभी नहीं बता सकते, ऐसे तो सुनने में था अच्छा ही लग रहा है इनके लिए, पर होना चाहिए वोट अच्छा। नहीं आए हैं कि वोट भी पड़ेगा इनको? हम तो अभी भाई देखने आए हैं, अब वोट के टाइम में हम क्या बता। वोट दीजिएगा आरजेडी को, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, माहौल को देख लेंगे। उस दो दिन पहले ही कुछ पता चलता है। भाषण से मुसलमान समर्थन करेंगे? करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ? अच्छा बोलते हैं। हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन। किस जगह के? हम लक्ष्मीपुर। किस मुद्दा के कारण आप जन स्वराज को चुने? जन स्वराज को हम लोग बदलाव देख रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, और नई पार्टी है, नया सोच है, नया विचार है। इंशाल्लाह उनका काम भी रहेगा, दिखेगा। एक बार मौका दे हम लोग, समझे। और एक बात ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा स्टेशन से लेकर के चाकन का स्थिति इतना एकदम मतलब समझिए कि रोड का स्थिति बेकार है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत को अगर हम ऑटो पे लेकर जाते हैं वो हॉस्पिटल पे डिलीवरी ना होकर के ऑटो में डिलीवरी हो जाएगा। घटिया। इस पर यह निर्णय है कि देखिए हमारा जो भी पिछला पार्टी है सब तो लूटते गया, ठगते गया, लेकिन ये अभी हम भाषण सुन करके आ रहे हैं, इनका जो सोच और विचार है एकदम अलग है, सबसे अलग है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए और हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका कहना है कि आप चुनिए, अपना भविष्य को चुनिए, आप वोट नहीं दीजिए, आप अपना आगे का भविष्य देखिए। इसीलिए हम लोगों ने विचार किया है कि नहीं, जन स्वराज को, अमजद साहब को वोट देना, इंशाल्लाह उनको विनर भी बना। सभी पार्टियां आती है वैसे ही वादा करती है और चली जाती है। नहीं तो इन पर लग रहा है विश्वास, लग रहा है। देखिए 35 साल हमने उसको दिया सुरेंद्र बाबू को, तो क्या किए, अभी इनको भी 11 महीना का टाइम देते हैं। तो मुसलमान क्या सबके पीछे चलते रहेगा हमेशा के लिए? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, इंशाल्लाह सब सभी के सब पांचों अंग भी बराबर नहीं है, समझे। कोई ना कोई एक ठो सही निकलेंगे इंशाल्लाह, ये सही निकले। आपके नहीं, आपकी पूरी गांव देगी? हाँ इंशाल्लाह। किनको? हम लोग अमजद बाबू के सपोर्ट में है, इंशाल्लाह उसको वोट करेंगे इंशाल्लाह। क्या 35 सालों का किला ढा पाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह कोशिश तो है, अब बाकी अब ऊपर वाला जाने और बाकी उनका भी प्रतिज्ञा रहेगा। अच्छा ला रहे हैं इस बार एकदम 30-40 हजार वोट से कम से जीतने वाले नहीं है। पिछले तीन चार बार से अमजद बाबू चुनाव लड़े हैं, उसमें 4-5 हजार वोट से हारे हैं, वो ज्यादा कोई बहुत बड़ा मार्जिन से हारे नहीं है। और इस बार का लहर उनको कम से कम 30-40 हजार वोट से जिताएगा। किनके वोट से जीतेंगे? मुसलमानों के वोट से नहीं, जीतेंगे? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीतेंगे। तो यादव तो यादव को वोट करेंगे? नहीं, इस बार देखिए, इस बार का समीकरण ऐसा है कि आज से जितनी बार भी हम लोगों ने जब से हम लोगों ने वोट संभाला यहाँ पे हमेशा यादव का एक कैंडिडेट रहता था और एक अगेंस्ट में मुस्लिम कैंडिडेट रहता था, तो वहाँ पे जितना 4,000-5,000 वोट से 6,000 वोट से हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट हार जाता था। लेकिन इस बार मुस्लिम हिंदू का वोट या यादव का वोट खुद ही दो जगह बटेगा, इसलिए हमारा कैंडिडेट जो है अमजद बाबू कम से कम 25-30 हजार वोट जीतेगा। देखिए प्रशांत किशोर के और ये बात नहीं है, यहाँ पे क्या है कि 35 साल से जो सुरेंद्र यादव जो इस बेलागंज को चला रहे हैं, देखिए लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो वो फिर राजशाही हो जाएगा या फिर तानाशाह हो जाएगा। तो इस बार के जो बेलागंज के जो आवाम है तो उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार बेलागंज में परिवर्तन लाना है। आप परिवर्तन चाहते हैं या मुस्लिम कैंडिडेट चाहते हैं? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट। और ये नहीं, सबसे पहली बात है कि बेलागंज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, या वो मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आए या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आए। मगर सबसे बड़ी बात हमने पहले कहा गया कि जो भी सरकार 35 साल से जो यहाँ पे बेलागंज में जो सुरेंद्र बाबू है इनको कोई हरा नहीं पाया है, तो जब लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं होता है तो वो तानाशाह हो जाता है, और तानाशाह किसी भी लोकतंत्र की सूरत में एक्सेप्ट है ही नहीं है। तो इसको इस बार बेलागंज में परिवर्तन करना जरूरी है। और अभी जो देखा जा रहा है, हमने अभी बहुत सारे रैली में गया है, मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज इस बार जो है सुरेंद्र बाबू को हरा देंगे और बेलागंज में परिवर्तन